बुधवार दिनांक 26 जुलाई सन 2023 को प्रथम श्रावण अधिक मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि है। आज अधिक मास की मासिक दुर्गा अष्टमी मनाई जाएगी। मिले आपको सुयोग्य जीवन साथी। जयपुर समय अनुसार राहुकाल का समय दोपहर 12:33 से दोपहर 2:15 तक रहेगा। इस समय के मध्य में किसी भी तरह के नए कार्य को प्रारंभ नहीं करना है। मेष राशि से, मेष राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आइए आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं आज के दिशाशूल के बारे में। एक कलश में जल भर लीजिएगा। बुधवार को आपके शहर से उत्तर दिशा में दिशाशूल रहता है। यदि आज आप अपने शहर से उत्तर दिशा की तरफ यात्रा कर रहे हैं तो उस यात्रा को सफल बनाने के लिए घर से निकलते समय थोड़ा सा गुड़ और धनिया खाकर निकलेगा। आपकी यात्रा निर्विघ्न रूप से संपन्न होगी। ओम ममलेश्वराय। बात करते हैं आज के शुभ मुहूर्त अथवा शुभ चौघड़ियों के बारे में। आज दिन भर जाप कीजिए। आज सूर्योदय से प्रातःकाल 9:11 तक लाभ और अमृत का चौघड़िया रहेगा। हर मनोकामना आपकी। प्रातःकाल 10:52 से दोपहर 12:33 तक शुभ का चौघड़िया विद्यमान रहेगा। आज भोलेनाथ का और दोपहर 3:56 से सूर्यास्त तक चर लाभ का चौघड़िया विद्यमान रहेगा। ठंडा दही हो। इन शुभ चौघड़ियों में किसी भी तरह के नए कार्य को आप प्रारंभ कर सकते हैं। आप सभी दर्शक इसका ध्यान रखिएगा, लाभ उठाइए, पुष्प अर्पण कीजिए। चलिए दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं आज के दैनिक राशिफल की। तो क्या कहते हैं आज के दिन के सितारे आपके, कैसी रहेगी ग्रहों की चाल, आज के दिन को शुभ बनाने के लिए आपको क्या करना है, इन सब पे चर्चा करेंगे। शुरुआत करते हैं मेष राशि से। मेष राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आज के दिन के सितारे कहते हैं कि आज आपको स्मार्ट वर्क करने का प्रयास करना है। बात करते हैं हार्ड वर्क से कहीं ज्यादा स्मार्ट वर्क करना होगा। सावन मास में और जो भी डिसीजन लें ठंडे दिमाग से लीजिए। भगवान शिव का गन्ने के रस से, पेट के रोगों से आज आपको बचना होगा। कोरोना काल का समाधान क्या रहेगा, घर से निकलते समय थोड़ा सा गुड़ खाकर निकलेगा। आज आप रस, पूरा दिन आपका शुभता से भरा रहेगा। फल से आज बात करते हैं वृषभ राशि की। वृषभ राशि वाले हमारे दर्शक, आज के दिन के सितारे कहते हैं कि चाहे नौकरी हो चाहे व्यापार हो, आज का दिन आपके लिए अच्छा बीतने वाला है। बस कोशिश ये कीजिएगा तो आज जो भी काम करें साफ सुथरे तरीके से करें, साफ सुथरा काम करने का प्रयास करें। महादेव और विशेष बात, आज पीठ पीछे किसी की भी बुराई आपको नहीं करनी है। ओम भूतेश्वराय नमः। समाधान क्या रहेगा, मंदिर हो या गुरुद्वारा, हरी सब्जियों का दान कीजिएगा। निश्चित तौर पर आज का दिन आपके लिए शुभता का संचार करने वाला रहेगा। बात करते हैं मिथुन राशि की। बात करते हैं कर्क राशि। मिथुन राशि वाले हमारे दर्शक, आज के दिन के सितारे कहते हैं कि आज का दिन सावन मास में कुछ नई सीख देकर जाएगा, एक नया लेसन पढ़ा के आपको जाएगा। विशेष और उस लेसन में, उस नई सीख में पूरे सावन जो भी अच्छा हो उसको ग्रहण कर लीजिएगा, बाकी छोड़ दीजिए। अपने लाइफ पार्टनर की, जीवन साथी की बात को गौर से सुनने का प्रयास कीजिएगा। महादेव पर अर्पण कीजिए। समाधान क्या रहेगा, गौ माता को मीठी पूरी खिलाकर ओम दिन की शुरुआत कीजिएगा, पूरा दिन बना रहेगा कूल। प्रजापते नमः। ओम सर्वलोक। हमारे कुछ कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले कॉलर है राजेंद्र जी बीकानेर से। प्रश्न पूछिए राजेंद्र जी, आपका क्या प्रश्न है, आपकी तमाम चिंताओं का, फिकर का, शुभ आशीर्वाद राजेंद्र जी का। आज मेरे दो प्रश्न है, पहले तो डेट ऑफ बर्थ बता दूं, दो ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। मैं डेट ऑफ बर्थ है 17 सितंबर सावन मास में 1965 पे आज प्रथम सोमवार के दिन, और समय गुड़ मिश्रित जल से, गुड़ मिश्रित जल से महादेव का अभिषेक कीजिएगा। सितंबर 1965 अर्पण कीजिएगा। समय गुड़ और चावल से बनी खीर का भोग 3:50 सुबह को अर्पण कीजिएगा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय यथाशक्ति। तो मेरा भी कोई जांच हुआ है, मैं उस जगह में जो ही है वो मेरी चीज जगह नहीं है। कम से कम 108 बार पढ़ना, उसके अलावा जितना कर सके। और दूसरी चीज भी काम है, कुछ बहुत ही ज्यादा चल रही है, अटके हुए काम है, बहुत ज्यादा रुके हुए काम है,
महादेव के आशीर्वाद से वो बिगड़े हुए बादशाह और शुक्र का अंतर रुके हुए और उसमें भी आप सूर्य के प्रत्यंतर में से गुजर रहे हैं। शनि में शुक्र में सूर्य, ये पीरियड आपका खत्म होगा 20 सितंबर सन 2023 को। उसके पश्चात में चीजें सुधरेंगी। वैसे दिसंबर तक कार्य क्षेत्र में विशेष रूप से सावधानी रखनी है। शनि में शुक्र में सूर्य व्यर्थ का अपमान करवाता है, व्यर्थ का अपयश करवाता है, अड़चने लाता, रुकावटें लाता है। फिर शनि में शुक्र में चंद्रमा विषयोग बनाता है। दिसंबर तक आपको विशेष रूप से सावधानी रखनी होगी। आपकी कुंडली वैसे अच्छी है, लेकिन चूंकि शनि वक्री है, एक लोहे का छल्ला मध्यमा उंगली के अंदर धारण करके रखें और उसके साथ साथ में नियमित रूप से मंगलवार शनिवार का नियम बांध लीजिए सुंदरकांड का पाठ करने का। सफलता आपके कदमों को चूमेगी। समय अच्छा है, लेकिन समय में भी कुछ न कुछ थोड़ी रुकावटें हैं। दिसंबर के पश्चात में कार्य क्षेत्र में वर्किंग सेक्टर में मनचाही सफलता आपको प्राप्त होती है। सुंदरकांड का नियम मान लिए और रविवार को भैरव मंदिर में दर्शन कीजिए। निश्चित तौर पर सभी सफलताओं का आपको प्राप्त होंगी और सभी समस्याओं का समाधान आपको मिलेगा। मुकेश जी जयपुर से जुड़ चुके हैं, आपका क्या प्रश्न है? बात करते हैं। नमस्कार, तुला राशि वाले जो हमारे दर्शक जयपुर से बोल रहा हूँ, इस बार सावन बताइए मुकेश जी क्या प्रश्न है आपका? या सुगंधित तेल से महादेव का अभिषेक करना मत भूलिए। आज अच्छा नहीं करना है, सुगंधित तेल या सुगंधित इत्र से, दही से भी करना है, शहद, शीतल। जन्म तारीख समय कुछ है आपकी? आज आपको लगाना है सफेद। जन्म तारीख समय कुछ है? ओम लोकपालाय नमः, ओम लोकपालाय नमः। 5 मई 1964 इस मंत्र का जाप करना है। कार्य क्षेत्र में जो हर्डल आ रही है, चले प्रश्न पूछिए आप, बाधाएं आ रही है वो स्वतः। हर रविवार को भैरव मंदिर में दर्शन करें, दाल की कचौरी, दही, इमरती चढ़ाएं और चौमुखा तिल्ली के तेल का दीपक जलाइए। घर में आपकी पत्नी को बोलिए जब वो खाना बनाती है रसोड़े के अंदर, तो उस वक्त उनका जो मुख है वो पूरब दिशा की तरफ रखिए और घर का पूरब उत्तर का जो कोना है वहाँ पर पितरों के नाम का देशी घी का दीपक जलाइए। पहली रोटी गाय की, आखिरी दो रोटी कुत्ते की निकालना शुरू कीजिए। शुक्रवार को कौओं को खीर बना के खिलाएं, सब रुकावटें दूर होती जाएंगी, कर्ज से मुक्ति मिलेगी, घर में सुख शांति समृद्धि बनी रहेगी। एक और दर्शक हमारे साथ जुड़ चुके हैं कोटा से, दशरथ जी आपका प्रश्न पूछिए। दशरथ जी क्या प्रश्न है? विशेष तौर पे सोमवार को हल्दी मिश्रित दूध से वापस बताइए जन्म तारीख कीजिएगा। मेरा जन्म तारीख है 31 जुलाई 1980। भोग लगाइए 31 जुलाई 1980। समय पुष्प पूजा में अर्पण कीजिएगा। ओम रामेश्वराय नमः, ओम रामेश्वराय नमः। प्रश्न पूछे दशरथ जी। सर मेरी क्या बोलते हैं, जो परेशानी में कर्ज में डूबा सर, मुझे गंभीर बीमारियों से चल रही है। आपने क्या जन्म तारीख बताई? 25 जुलाई 1980 कीजिएगा। उड़द की दाल से तैयार मिष्ठान का 31 जुलाई 1980 नील कमल का पुष्प देखिए महादेव को अर्पण कीजिएगा। शिव सहस्रनाम की जन्म कुंडली के अंदर पाठ कीजिएगा। अविवाहित के 7 साल की मां दशा चल रही है। केतु मतलब सर्प, सर्प कैसे चलता है? टेढ़ा मेढ़ा चलता है। उसी तरीके से जीवन में उतार चढ़ाव लेकर आता है। भारी पितृदोष आपकी कुंडली के अंदर है। भगवान शिव का अभिषेक का देशी घी का दीपक नियमित रूप से जलाइए। रसोई में पानी के मटके के पास में शनि मंगल की युति बनी हुई है। ऐसे जातक जिनकी कुंडली में शनि मंगल की युति बनी होती है, शारीरिक, मानसिक, आर्थिक, दाम्पत्य जीवन से जुड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। हर रविवार को मछलियों को यथा योग्य सामग्री खिलाइए और कौओं को खीर खिलाना शुरू कीजिए। उज्जैन जाकर पितृदोष की विधिवत शांति कराइए। निश्चित तौर पर कार्य में रुकावटें दूर होंगी। माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद मिलेगा और भोलेनाथ का अभिषेक कीजिएगा। जीवन के अंदर चावल और दही मिलाकर भोलेनाथ को एक और कला। संगीता जी कोटा से जुड़ी हुई, आपका क्या प्रश्न है? संगीता जी से भोलेनाथ को प्रसन्न कीजिएगा। ओम भूमेश्वराय नमः, ओम भूमेश्वराय नमः, ओम भूमेश्वराय नमः। 30 अगस्त मंत्र का यथाशक्ति जाप कीजिएगा। परिवार के सदस्यों के अंदर प्रेम बढ़ता हुआ हाँ। और जन्म स्थान है चंद्रपुर महाराष्ट्र। मुझे ये पूछना है गुरु जी की, ये अभी मुंबई में जॉब कर रहा है तो मुझे इसका रो हाउस बनेगा क्या उधर? क्योंकि वहाँ फ्लैट सिस्टम रहती है तो हमें रो हाउस बनाना है, तो जगह मिलेगी उधर? और ये मेरा पहला प्रश्न है। अब दूसरा है कि अभी मल मास में जो पुरुषोत्तम मास है उसमें हवन कर सकते हैं क्या?
देखिए बेटा संगीता, जहां तक आपका दूसरा प्रश्न है, मल मास अर्थात पुरुषोत्तम मास, पुरुषोत्तम मास का महत्व यही है, इसके अंदर जप तप हवन का विशेष महत्व बताया गया है। पुरुषोत्तम मास में विवाह इत्यादि शुभ कार्य वर्जित है, लेकिन पूजा पाठ जितना आप कर सकते हैं, हवन दान कर्म जितना आप कर सकते हैं उतना कर सकते हैं। देवताओं के निमित्त आहुति देने से देवता प्रसन्न होते हैं और उनका शुभ परिणाम आपको प्राप्त होता है। बच्चे की जन्म कुंडली में गुरु की महादशा में गुरु का अंतर एक महीने बाद 11 सितंबर 2023 को खत्म हो रहा है, उसके पश्चात गुरु की महादशा शनि का अंतर आएगा, इसके जीवन का सर्वश्रेष्ठ समय आएगा। गाड़ी घोड़ा बंगला विवाह सुख इत्यादि सब इस बच्चे के पास में होगा। कुंडली बहुत अच्छी है, लेकिन शुक्र नीच राशि का है। एक पन्ना रत्न हमेशा पहनाए, डायमंड इस बच्चे को भूल कर भी नहीं पहनाना है। हर शुक्रवार को 10 वर्ष से कम की कन्याओं को कुछ ना कुछ गिफ्ट देना है इस बच्चे के नाम से। ये बच्चा आपके परिवार का नाम रोशन करेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं और आपकी समस्याओं का समाधान तो कर ही रहे, राशियों के बारे में भी बात कर लेते हैं। बात करते हैं कर्क राशि की। कर्क राशि वाले हमारे दर्शक, आज के दिन के सितारे कहते हैं कि आज दिन भर उथल पुथल परेशान करती रहेगी। आज कोई महत्वपूर्ण निर्णय आपको नहीं लेना है, इंपॉर्टेंट डिसीजन आज छोड़ दीजिएगा, लेना ही नहीं है। शांति से दिन गुजारने का प्रयास कीजिएगा। समाधान क्या रहेगा? हरी बेडशीट किसी योग्य व्यक्ति को दान कीजिएगा, मंदिर में दान कीजिएगा, ब्राह्मण को दान कीजिएगा। निश्चित तौर पर आज का दिन आपका शुभता से भरा रहेगा। बात करते हैं सिंह राशि की। सिंह राशि वाले हमारे दर्शक, आज के दिन के सितारे कहते हैं कि आज वर्किंग सेक्टर में बड़ी रेस्पॉन्सिबिलिटी मिल सकती है, जिम्मेदारी आज आपको मिल सकती है। और जब भी आज आप कोई डिसीजन ले, कोई भी फैसला करें, तो उससे दूसरों के ऊपर क्या इंपैक्ट पड़ रहा है उसका भी आपको ख्याल रखना होगा। एंड यू हैव टू बी केयरफुल रिगार्डिंग योर हेल्थ टूडे। स्वास्थ्य का सेहत का ध्यान रखिएगा। समाधान क्या रहेगा? ये जो आपकी दोनों हथेलियां हैं उस पर थोड़ा सा शुद्ध देशी घी लगाकर ऐसे मसल के उसके बाद घर से प्रस्थान कीजिएगा, पूरे दिन सफलता आपके कदमों को चूमती रहेगी। तो बात करते हैं कन्या राशि की। कन्या राशि वाले हमारे दर्शक, आज के दिन के सितारे कहते हैं कि पैसों से जुड़े किसी भी मैटर में, फाइनेंस से जुड़े कोई भी आज मामला हो, उस पर सावधानी से ही आगे बढ़ना है। कोई भी कदम उठाएं, यू हैव टू बी केयरफुल। चाहे वो पैसा उधार देने की बात हो या पैसा किसी से लेने की बात हो, और जो भी काम करे वो सारी बातें लिखित रूप से करे, एग्रीमेंट साइन करके करें। मुंह जबानी आज कोई भी काम आपको नहीं करना है। समाधान क्या रहेगा? मोगरे का इत्र गणेश मंदिर में चढ़ाइएगा, निश्चित तौर पर पूरे दिन शुभता प्राप्त होती रहेगी। चलिए समय हो गया एक छोटे से ब्रेक का, कहीं मत जाइएगा, जल्दी से वापस लौट रहे हैं, आपकी समस्याओं का समाधान भी करेंगे, बाकी बची हुई राशियों के बारे में भी बात करेंगे। ब्रेक के बाद आपके पसंदीदा शो गुड लक टिप्स में पुनः एक बार स्वागत है। बात कर रहे हैं दैनिक राशिफल की और आपकी समस्याओं का समाधान भी कर रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, राशिफल को कंटिन्यू करते हैं। बात करते हैं तुला राशि की। तुला राशि वाले हमारे दर्शक, आज के दिन के सितारे कहते हैं कि आज का दिन गोल्डन डे बनने वाला नहीं है, प्रॉब्लमेटिक डे रहेगा। बगैर प्लानिंग के कोई भी काम आज आपको नहीं करना है, और कोई भी रिस्क फैक्टर वाली जो डील हो उसको बड़ा सावधानी से हैंडल करिएगा, इट शुड बी वेरी केयरफुल। समाधान क्या रहेगा? सफेद चंदन पाउडर नहाने वाले जल में मिला दीजिएगा और उससे स्नान करके घर से निकलेगा, पूरे दिन सफलता आपको प्राप्त होती रहेगी। बात करते हैं वृश्चिक राशि की। वृश्चिक राशि वाले हमारे दर्शक, सितारे कहते हैं कि आज वर्किंग सेक्टर में, बिजनेस में नई शुरुआत के योग बन रहे हैं। बस आपको अपने एफर्ट्स में, अपने प्रयासों में कोई कमी नहीं आने देनी है। पुट योर 100% एफर्ट्स, रेस्ट लीव ऑन द गॉड। और अपनी बोली में, अपनी वाणी में शहद जैसी मिठास रखिएगा। समाधान क्या रहेगा? गणेश मंदिर में लड्डुओं का भोग लगाइएगा, निश्चित तौर पर पूरा दिन शुभता प्राप्त होती रहेगी। बात करते हैं धनु राशि की।
धनु राशि वाले हमारे दशक, आज के दिन के सितारे कहते हैं कि आज कूल रहना है, ठंडा दिमाग बनाए रखना है, और ठंडा दिमाग रखेंगे सारे समाधान आज आपको मिल जाएंगे। यू हैव टू कंसंट्रेट ऑन योर वर्क, अपने काम के ऊपर ध्यान दीजिएगा, फोकस करिएगा, दिमाग के साथ साथ वाणी में भी शांति मधुरता बनाए रखिएगा। समाधान क्या रहेगा? हरा रुमाल अपनी पॉकेट में रखिएगा, निश्चित तौर पे पूरे दिन शुभता प्राप्त होती रहेगी। एक कॉलर माया जी टोंक से जुड़ चुकी है, पूछिए माया जी क्या प्रश्न है आपका। हाँ पंडित जी, आपके चरणों में सत सत नमन। मेरा शुभ आशीर्वाद। मैं ना मेरे भाई के लिए पूछ रही हूँ, उसकी डेट ऑफ बर्थ है 30 सितंबर 1980। तीस सितंबर 1980 समय सुबह के 10:30 के बीच में है। सुबह 10 बजे 10:30 के बीच में। प्रश्न बताए। हाँ पंडित जी, मेरे भाई का स्वास्थ्य बहुत खराब रहता है, उसको सिर में दर्द और मांसपेशियों में दर्द, बहुत परेशान रहता है वो इससे। तो एक तो इसका उपाय बताए आप, और एक उसके जीवन का संकट कब दूर होगा। देखो बेटा, आपके ब्रदर को शनि की महादशा चल रही है 19 साल की, और इसकी कुंडली में शनि और सूर्य दोनों साथ बैठे हैं, भारी पितृदोष बना हुआ है। ये पितृदोष घर में अशांति भी लेके आता है, स्वास्थ्य में भी उतार चढ़ाव करता है। अपने घर में बोलिए अपने माता पिता को कि नियमित रूप से पितरों के नाम का देशी घी का दीपक जलाए पानी के मटके के पास में, अमावस को पितरों का भोग लगाए, उज्जैन जाके पितृदोष की विधिवत शांति कराए, एक लोहे का छल्ला मध्यमा उंगली में धारण कराए। अभी फिलहाल शनि की महादशा केतु का अंतर है, जनवरी 2024 तक रहेगा, स्वास्थ्य में उतार चढ़ाव रहेगी, कार्य क्षेत्र में उतार चढ़ाव रहेगा। रोजाना एक कटोरी अनाज सिराहने के पास में रखना है और अगले दिन पक्षियों को खिला देना है। 40 दिन ये उपाय कीजिएगा, निश्चित तौर पर सुधार होता हुआ दिखाई देगा। अच्छा समय अगले वर्ष जनवरी से प्रारंभ होगा। अनिल जी भीलवाड़ा से जुड़ चुके हैं, प्रश्न पूछिए। अनिल जी क्या प्रश्न है आपका? अनिल जी प्रश्न पूछे। हेलो हेलो, नमस्कार जी। नमस्ते। मेरी जन्म कुंडली है 3 फरवरी 2005। 3 फरवरी 2007 2005 समय। हाँ, समय का पता नहीं, समय बताएं जल्दी से। समय पता नहीं है मुझे। हाँ प्रश्न पूछो, तो फिर प्रश्न पूछो बेटा। हाँ देखो अनिल, जहाँ तक आपकी जन्म कुंडली का सवाल है, देखिए हमारे पास इस कार्यक्रम में समय की लिमिटेशन रहती है, अगर इतना सोच के बोलेंगे तो समय की शॉर्टेज के कारण हम ज़्यादा जवाब नहीं दे पाएंगे। आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा नीच राशि का है, हर सोमवार को सफ़ेद चीज़ों का दान करें, सूर्यास्त के बाद दूध दही चावल सफ़ेद चीज़ों का सेवन नहीं करना है। हर सोमवार को एक एक चांदी का चंद्रमा शिवलिंग पे चढ़ाइए, दूध से अभिषेक करके, जल से अभिषेक करके वहीं छोड़ के आ जाइए। 8 सोमवार इस तरीके का कीजिएगा, निश्चित तौर पर आपको बेनिफिट होगा। बाकी आपकी कुंडली में जब आपको अच्छा समय और अच्छा प्रश्न याद आ जाए तो हमें वापस कॉल कर लेना। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं बाकी बची हुई 3 राशियों के बारे में। तो मकर राशि की बात कर लेते हैं। मकर राशि वाले जो हमारे दशक हैं, आज के दिन के सितारे कहते हैं कि आज वर्किंग सेक्टर में उम्मीद और भरोसे से आगे बढ़ना होगा। 2 गहने आज रहेंगे आपके, एक तो उम्मीद रहेगी और एक भरोसा रहेगा, उससे आगे बढ़ जाएगा। मेंटल मानसिक मजबूती बना के चलिएगा, डिप्रेशन की आज कोई जगह नहीं है, कड़वी बात भी नहीं करनी है किसी से, ये ध्यान रखिएगा। समाधान क्या रहेगा? तुलसी सेवन करके घर से निकलेगा, पूरे दिन सफलता आपके कदमों को चूमती रहेगी। बात कर लेते हैं कुंभ राशि की। कुंभ राशि वाले हमारे दशक, आज के दिन के सितारे कहते हैं आने वाला जो समय है उसमें कुछ महत्वपूर्ण चेंजेज होने जा रहे हैं आपकी लाइफ में, आपके कैरियर में। सकारात्मक सोच बनाए रखिएगा, पॉजिटिव अप्रोच बनाए रखिएगा। संतान की समस्या परेशान कर सकती है, एजुकेशन फील्ड में कुछ फ्लक्चुएशंस आ सकते हैं। समाधान क्या रहेगा? टॉफियां बच्चों में बांटेगा, निश्चित तौर पे पूरा दिन सफलता प्राप्त होती रहेगी। अंतिम राशि है मीन राशि। मीन राशि वाले हमारे दशक, आज के दिन के सितारे कहते हैं कि आज वर्किंग सेक्टर में अपने जो उच्च अधिकारी हैं
उनसे उलझने से बचना होगा आपको। आर्गुमेंट नहीं करना है। कोई कहे मैं बड़ा तो आप बड़े। जोखिमपूर्ण कामों में सावधान रहना है। रिस्क फैक्टर के काम केयरफुली होकर करने हैं। और छोटी छोटी बातों को तूल मत दीजिएगा आज। समाधान क्या रहेगा? हरि दुर्वा गणेश जी महाराज को अर्पण करके दिन की शुरुआत कीजिएगा। पूरे दिन सफलता आपको प्राप्त होती रहेगी। एक कॉलर सुनीता जी नागौर से जुड़ चुकी है। पूछिए, प्रश्न पूछिए सुनीता जी। मैं ज्योतिषी से पूछ रही हूँ। हाँ, उसका जन्म है 5 फरवरी 1993। वापिस बोले। 5 फरवरी 1993। 1993। हाँ जी। समय 1:30 बजे रात को। 1:30 बजे रात को। प्रश्न? प्रश्न इसका विवाह में हो रहा है सर, और एक आपसे मिलने का समय चाहिए। शनि की महादशा उतर रही है इसको। शनि की महादशा लास्ट अपने चरण में है। सूर्य शनि का पितृदोष है। पितृदोष की विधिवत इसके पिता को बोलिए कि विधिवत शांति कराए। अगले वर्ष के शुरुआत में इसका विवाह भी हो जाएगा। और आप शनिवार रविवार को छोड़ के सोमवार मंगलवार को आप आके मिल सकते हैं। चलिए बात करते हैं, आगे बढ़ते हैं महिलाओं के किचन से जुड़े हुए गुड लक टिप्स के बारे में जान लेते हैं। एक ऐसा किचन जो हमारी माता और बहनों के किचन से जुड़ा है। तो क्या कहता है आज का रसोई से जुड़ा गुड लक टिप्स? आज क्या करना है? आज अंकुरित हरे मूंग बनाइएगा। अंकुरित हरे मूंग बनाकर गौ माता को खिलाइएगा। अपने रसोई घर में लौकी की सब्जी बनानी है, हरे अंकुरित मूंग और बेसन का लड्डू और मिस्सी आटे की रोटी का भोग गणेश जी भगवान को लगाइएगा। एक कोई वेद पाठी ब्राह्मण आपको बालक मिल जाए तो उसको घर बुलाकर चौके में बैठाकर उसको भोजन कराइएगा। क्या होगा? मिलेगी कर से मुक्ति, बनेंगे धनवान। आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं आज के गुड लक टिप्स के बारे में। तो दोस्तों, क्या आप आज के दिन को सफल बनाना चाहते हैं? क्या आप अपने कॉन्फिडेंस को बढ़ाना चाहते हैं, गोल्डन डे बनाना चाहते हैं? यदि हाँ, तो आज का गुड लक टिप्स है आपके काम का। क्या करना है आज? आज गणेश जी महाराज की प्रतिमा के समक्ष बैठ जाइएगा। एक देशी घी का दीपक जलाइएगा। गणेश जी महाराज को दुर्वा अर्पण कीजिएगा। एक गिलास मीठे दूध में 5 पिस्ते डाल दीजिएगा। ओम नाद प्रतिष्ठाय नमः, ओम नाद प्रतिष्ठाय नमः, ओम नाद प्रतिष्ठाय नमः। 108 बार इस मंत्र का जाप कीजिएगा। जाप के पश्चात आरती पुष्पांजलि कीजिएगा और पूजन के पश्चात दूध का सेवन करके फिर घर से निकलिएगा। क्या होगा? आज के इस गुड लक टिप्स से सफलता चूमेगी आपके कदम। बनेगा आज का दिन गोल्डन डे ऑफ लाइफ। तो आज के लाइव एपिसोड में बस इतना ही। कल नई जानकारी के साथ फिर मिलेंगे। मुझे दीजिए इजाजत। तब तक खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए। जय श्री कृष्णा, जय माता की।